हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज आपके वास्ते आया हूं एक टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है थायराइड। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड की तरफ से वो हार्मोन सीक्रेट होता है, और हमारे बॉडी में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे फंक्शंस करते रहता है। फ्रेंड्स, इस हार्मोन्स की कमी की वजह से, दो प्रकार के कमी या ज़्यादा होने की वजह से, एक तो हाइपोथायराइड होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है फ्रेंड्स। और इस हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड का जो कंट्रोल है फ्रेंड्स, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में जो नेजल बोन होती है, स्पिनाइड बोन, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ये ग्लैंड होती है, वो उसका कंट्रोल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है फ्रेंड्स, और वो कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और उसकी वजह से जो है थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन होता है। थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन, ऐसे दो प्रकार के हार्मोन होते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हार्मोन्स हैं। इस हार्मोन की कमी की वजह से या ज़्यादा की वजह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हमें परेशानी हो सकते हैं। जैसे कि समझो फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन अगर कम है तो T3 T4 लेवल अगर कम है तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायराइड, और T3 T4 लेवल अगर बड़ा होगा तो उसको कहेंगे हम हाइपरथायराइड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में हम जो आयोडीन खाते हैं, नमक जो खाते हैं, अगर नमक की मात्रा कम हो जावे तो उस टाइम पे हमें हाइपोथायराइडिज्म है, जब थायराइड का मात्रा हमारे शरीर में कम होगा। अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि जिनमें थायरॉक्सिन की कमी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रमाण पे। ऐसे तो हमारे एरिया में भी बहुत से लोग आज हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड की कंडीशन में हमें मिलते हैं, बट हाइपोथायराइड इस कंडीशन में ये कहते हैं कि इस कंडीशन में जो है थायरॉक्सिन का जो है लेवल मेंटेन नहीं होता है फ्रेंड्स, और उसमें जो है आयोडीन की कमतरता होती है। ये वो हाइपो में, हाइपर में उल्टा होता है। अगर आप आयोडीन का प्रमाण ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाइपर होगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। हाइपो में गोइटर जैसी तकलीफ आप देखे होंगे फ्रेंड्स, कभी आपने देखा होगा कि गले की तरफ जो है एक बड़ी गांठ आ जाती है, उसको हम गोइटर भी कहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम थायरॉक्सिन से रिलेटेड है, थायराइड से। तो हाइपोथायराइड में जो है अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड्स, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखेंगे होंगे कि जो भी बहुत से लेडीज़ पेशेंट्स हैं जिनका वज़न अचानक बढ़ जाता है, और उनके हार्ट बीट या टैकीकार्डिया भी होता है, MC में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ऐसे पेशेंट में जो है हाइपोथायराइड की कंडीशंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है थायराइड की मात्रा कम होती है, तो इनमें हम जो है इसका करेक्शन करते हैं, इसमें थायरॉक्सिन की हम टैबलेट देते हैं, थायरोनॉम देते हैं या थायरोनॉक्स जो भी है, ऐसे हम टैबलेट देते हैं 0.25 mg, 0.50 mg, 0.100 mg, ऐसा इसके डोसेस हैं 25, 50 और 100 के। अगर समझो फ्रेंड्स थायराइड T3 T4 लेवल बढ़ चुका है तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें जब हाइपरथायराइड होता है तो इसके भी साइन सिम्टम्स हैं कुछ, इसमें कि बहुत से पेशेंट्स को टैकीकार्डिया होता है और बहुत से अलग अलग सिम्टम्स इसमें होते हैं, हार्ट बीट बढ़ता है उसमें। तो ऐसे जो सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स वो हाइपरथायराइड में मिल सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म भी बहुत सारे कंडीशंस में आता है अपने को फ्रेंड्स, ट्रेमर्स हैं, रेस्टलेसनेस है, और बाकी बहुत से कंडीशंस में हाइपरथायराइडिज्म हमको मिलता है। हार्ट के पेशेंट्स में भी कभी कभी हाइपरथायराइडिज्म हमको मिल सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है थायराइड के हार्मोन्स को रेगुलेट करना है, तो इसका जो टैबलेट है उसमें जो है हम नियोमरकाजोल, कार्बामेप्सिन, ऐसे इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हाइपो और हाइपर के ट्रीटमेंट में हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। हाइपो मतलब T3 और T4 लेवल कम होता है, और हाइपर मतलब T3 और T4 लेवल बढ़ता है। इसमें और एक लेवल, एक हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी हम ये थायराइड की रिपोर्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम हुआ है तो इसका मतलब जो है वहाँ पर T3 T4 लेवल बढ़ गया है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हुआ है, T3 T4 लेवल बढ़ चुका है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बढ़ चुका है, T3 T4 लेवल कम हुआ है, उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें। T3 T4
कम हुआ है और TSH बढ़ा है, हाइपो, T3 T4 बढ़ा हुआ है और TSH कम हुआ है, हाइपरथायरॉइडिज्म। इस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना है फ्रेंड्स। इसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं और ये जनरली किधर भी होती है। इसको पहले हम बॉम्बे को वगैरह भेजते थे, बट आजकल ये रेगुलरली लोकल एरिया में भी ये टेस्ट फास्ट एंड फास्ट हो सकती है फ्रेंड्स। इसके ट्रीटमेंट में जैसा बताया मैं, हाइपो में थायरोनॉम है और बहुत से अलग अलग ब्रांड के टैबलेट हैं। मेन कंटेंट इज थायरोक्सिन 25, 50, 100 mg MCG। और हाइपरथायरॉइडिज्म में इसका ट्रीटमेंट है न्योमरकाजोल 5 mg और 10 mg और कार्बामेपेसिन। इसके अलावा फ्रेंड्स में बहुत से आयुर्वेदिक ड्रग्स भी मिलते हैं, हाइपो या हाइपर कोई भी कंडीशन हो उसमें एक बहुत से आयुर्वेदिक ड्रग्स मिलते हैं और उसमें रिसर्च चालू है। बट एक ड्रग जो अवेलेबल है फिलोखत की कंडीशन में, जिसको हम ग्यानोडर्मल लुसिडियम कहते हैं, मशरूम जिसका नाम है, वो भी थायराइड को जो है दोस्तों कम करता है। इसके ऊपर मैंने पिछले बार बात भी की है और ग्यानोडर्मल लुसिडियम का वीडियो भी अपने चैनल पर उपलब्ध है फ्रेंड्स, जो शुगर, BP, अस्थमा और थायराइड को कम करता है। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।